अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया लाल साहू की निर्मम हत्या के बाद आज पंचकुइया स्थित हनुमान मंदिर में यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कन्हैया लाल साहू की आत्मा की शांति को लेकर शांति पाठ रखा गया। दरिंदगी की कहानी, हरकतें जैसे तालिबानी। आपको अवगत करा दें, जो कल उदयपुर में दिल दहला देने वाली एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला, जिसमें एक सनातनी ने नुपुर शर्मा द्वारा जारी एक बयान का समर्थन किया था। उसको बेरहमी से गला काट कर हत्या कर दी। उसके पश्चात मृत आत्मा की शांति के लिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा हवन और शोक सभा का आयोजन पंचकुइया स्थित हनुमान मंदिर पर किया गया। धर्मेंद्र पंडित, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू महासभा। धर्मेंद्र जी, आज किस चीज को लेकर आप लोगों ने यज्ञ किया है? ये हवन किया है उदयपुर में। कल कन्हैयालाल साहू जी की निर्मम रूप से हत्या कुछ तालिबानी सोच रखने वाले मुस्लिम लोगों ने करी है। उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने यह हवन किया है। ईश्वर से प्रार्थना करी कि ईश्वर जो कन्हैयालाल साहू जी, उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। मृतक के परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करी और हम भविष्य में भी उनके परिवार के साथ हमेशा खड़े होने का प्रयास करें। अतः सभी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे हो कन्हैयालाल साहू की आत्मा की शांति को लेकर यज्ञ का आयोजन भी किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।